गाइस देखिए, अभी यहाँ पे हमारा जो कूलर है इसका स्टैंड नहीं है, अभी तक तो जुगाड़ से काम चल रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा स्टैंड आ जाए। फिलहाल हमारे पास पैसे नहीं है स्टैंड के लिए, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि ईंटें चुराएंगे, इसलिए हमने ये बैग लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो, स्टूडेंट लाइफ में जुगाड़ सबसे बड़ी चीज़ है, आप फालतू हर चीज़ के लिए पैसा नहीं मांग सकते, ठीक है। तो अपन यहाँ पर चलते हैं ईंटें चुराने के लिए, ठीक है। तो किसी को बताना मत इस चोरी के बारे में आप सब। तो देखिए गाइस, अब हम रोड पे निकल चुके हैं और हमें आसपास वैसे तो लोग देख रहे हैं, वैसे हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं ऐसे लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या सीन चलने वाला है। हमें पता लगा है कि पड़ोस के पार्क में कुछ ईंटें खाली पड़ी है, तो उन ईंटों को चुराएंगे हमारे स्कैमर राहुल जी, और मैं सुपरविजन में रहूँगा, देखूँगा कि कोई देख तो नहीं रहा, ठीक है भाई। ये बाइक वाइक चुराते ज़्यादा ही। गाइज वैसे हमारी तलाश यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये छोरा फिर भी आगे जा रहा है, क्योंकि हम किसी भी गरीब आदमी की या आम आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं मारेंगे, हम गवर्नमेंट की चीज़ें उठाएंगे, हमारा पैसा है उसको उठा सकते हैं। देखिए अभी हमें कुछ अच्छी उम्मीद की किरण मिली नहीं है, हालांकि यहाँ पे भंडार तो बहुत सारे भरे हुए हैं ईंटों के, लेकिन हम ऐसे उठा नहीं सकते यार, कोई लोग आके पीट जाएंगे इसके चक्कर में, और मैं और पीट जाऊंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये बंदा अगर नाले में कूद जाए तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल राइट बात बोल रहा हूँ। ये मेरा भाई ईंटे चुरा रहा है धीरे से, और डाल लिए इसने ईंटे अपने अंदर, देखिए इधर कोई भी नहीं है भाई साहब, और ये हमारी RUHS में पहली चोरी है जिसके अंदर लौंडा ईंटें चुरा रहा है। आजा भाई, ठेला भर लिया गया है, ऐसा लग रहा है कि बैंक में डकैती मार का है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मज़ा आया होगा, ये हमारा था स्कैम, और अब हम इस ईंटों को लगाएंगे अपने कूलर के नीचे ताकि कूलर थोड़ा हो सके ऊपर। अब इन भाई साहब को मेरी मदद चाहिए, साल भर बट बोल रहे हैं कि कैसे दोस्त है रे यार। देखो हालांकि मेरा मैं तो जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, बाय बाय। तो सालों पुराने इस पानी को हम खाली कर रहे हैं ताकि इस कूलर को ऊपर उठा सके और यहाँ पे हम डाल सके ये ईंटें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट लाइफ में कितने जुगाड़ करने पड़े हैं आप सब देखिए, और संघर्ष सीखिए कि किस तरह से संघर्ष होता है। फिलहाल अपने राहुल भाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। गाइस ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, वैसे हमारा दो ईंटों से ही काम हो गया था, इसलिए हमने दो ईंटें ली, और ये हमारे राहुल भाई अब हवा खाएंगे ताजी ताजी।